सब होप आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एमी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में, जिसमें हम क्या कर रहे थे, प्री हिस्टोरिक पीरियड के ऊपर थोड़ी डिस्कस कर रहे थे। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड को समझने के लिए हम उसके जो मेजर सोर्सेज थे उनके ऊपर थोड़ी डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि हमने नवपाषाण काल जो था उसके बारे में डिस्कस कर लिया, पूरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रोटो हिस्टोरिक जो कि आधा ऐतिहासिक काल था उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया। अब उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, उसमें हमने डिस्कस किया कि जब जो हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था उसमें क्या हुआ था, मानव सभ्यता का भी क्या हो गया था, आगमन हो गया था, जिसमें कि हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य रूप से मानव सभ्यता पनपी थी वो कौन कौन से आए थे। तो वो आए थे कुछ से, मतलब जो माइग्रेंट्स थे वो आए थे, जैसे कि हमारे पास कोल जाति के लोग आए थे जिनको कोलेरियन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास किरात आए थे जिनको मंगोलाइड्स के नाम से जाना जाता है, मतलब वो मंगोलिया की तरफ से आए थे। उसके बाद नागास की बात कर ली थी हमने, उसके बाद हमने खस की भी बात करी थी, क्योंकि ये सारे क्या थे, ये जनजातियां थी जो क्या हिमाचल प्रदेश में निवास करने आई थी। जो आज हम बात करेंगे, देखो हाँ, ये हमने तीन जो क्या थे मेजर सोर्सेस थे हिस्टोरिकल पीरियड के, तो उनके ऊपर हमने बात की। जो आज हमारे पास दो बचते हैं, चौथा और पांचवा, वो क्या क्या है। तो जो फोर्थ हमारे पास मेजर सोर्स है वो है आर्य और हिमाचल, और जो पांचवा है वो है देवता। मतलब ये जो हमारे पास सोर्सेज हैं इनकी बदौलत हमें क्या पता लगता है, जो हिमाचल प्रदेश का इतिहास है उसके बारे में पता लगता है, जिसमें कि हमने तीन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब जो चौथा है आर्य और हिमाचल, जो आर्यों का, देखो जब आर्यों का आगमन हुआ था हिमाचल प्रदेश में तो उस समय का इतिहास क्या था, और उसके बाद हिमाचल का जो इतिहास है उसके बारे में वर्णन हमें जो देवी देवताओं की पूजा करते थे उनसे भी पता लगता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कहां से, यहाँ आर्य और हिमाचल प्रदेश। देखो सिंपल सी बात है, आर्य और हिमाचल प्रदेश की, आर्यों के समय हिमाचल प्रदेश का कैसा इतिहास था। तो सबसे पहले क्या हुआ था, हमें ये जानना जरूरी है कि आर्य कौन थे। आर्य हमें ये पता होना चाहिए कि हु इज आर्य, ये कौन सी सिविलाइजेशन थी। देखो जो आर्यस थे बेसिकली ये कहां पे पहले इनका जो निवास था वो कहां था, वो था सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया के उसमें निवास करते थे अपना। फिर इन्होंने क्या किया, जब मध्य एशिया में इनका जो जीवन निर्वाह था उसमें थोड़ी दिक्कतें आने लग गई, जो मतलब ये पशु जो भी थे इनके पास जो जिनसे अपने जीवन का निर्वाह करते थे, अब उनके लिए क्या हुआ था, इनको अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आने लग गई। वहाँ पे क्या था, इनको जो खाने पीने का था कृषि का, या फिर जो पशु थे उनको चारे के लिए क्या था, चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटिव सी होने लग गई थी, मतलब ना के बराबर वहाँ पे हो गया। तो इन लोगों ने क्या किया था, जो आर्यस थे इन्होंने वहाँ से पलायन करना स्टार्ट कर दिया था। पलायन मतलब वहाँ से वो माइग्रेंट्स मतलब होने लग गए, मतलब माइग्रेशन करने लग गए वो दूसरी जगह के लिए। तो ये क्या हुआ था, ये मध्य एशिया सेंट्रल एशिया से क्या चलते चलते ये कहाँ पहुँच गए, ये पहुँच गए भारत में। अब भारत में कहाँ पहुँचे, ये पहुँच गए कश्मीर। अब मध्य एशिया से चलते चलते ये अफगानिस्तान से होके क्या हो गए, ये पहुँच गए कश्मीर में भारत के। और कश्मीर में क्या किया इन्होंने, कश्मीर को पार करते, घाटी है पर्वत है उसको पार करते हुए ये सिंधु जो नदी है उसके किनारे पहुँच गए। अब वहाँ पे क्या हुआ था, जो बोलते हैं जो हमारे पास सिंधु सभ्यता है वो भी आर्यस का, मतलब उसमें आर्यस का रोल भी बहुत ज़्यादा है, जो आर्यस सिविलाइजेशन है तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में भी उनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो बात हम सिंधु घाटी सभ्यता की नहीं करेंगे, बात हम सिर्फ आर्यस की करेंगे कि उनका हिमाचल में आगमन कैसे हुआ। अब देखो जब ये क्या हुआ, कश्मीर में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए ये, कश्मीर। ओके, कश्मीर के बाद क्या हुआ कि ये अपना जो जीवन निर्वाह करने के लिए ये क्या हुआ, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ये क्या हुआ, आगे बढ़ते गए। और ये क्या हुआ, कश्मीर से लेके इन ये एंटर हो गए हिमाचल में, हिमाचल के बाद ये एंटर हो गए उत्तराखंड के गढ़वाल में, गढ़वाल से होते हुए ये पहुंच गए नेपाल में। तो जो आर्यस थे
देखो वो मिडिल जो एशिया है वहां से आते आते क्या हुआ, उन्होंने एंटर किया कहाँ से, कश्मीर से इंडिया में। ओके, इंडिया में जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें भी इनका वर्णन मिलता है। उसके बाद ये क्या हुआ, कश्मीर से धीरे 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 ये क्या हुआ, चलते गए आगे को, मतलब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए क्या आगे आगे बढ़ते गए ये। और ये क्या हुआ, हिमाचल में पहुंच गए। अब हिमाचल और गढ़वाल, नेपाल और कश्मीर, अब इसमें इन्होंने अपना निवास बनाने के लिए, मतलब इनको यहाँ पे बसने के लिए 400 वर्ष का समय लग गया था। कितने का लग गया था, 400 वर्ष, ये याद रखना। यहाँ पे इनको कितना टाइम लग गया था इंडिया में अपनी जो भी क्या बोलते हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए, मतलब अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, एक अच्छे तरीके से व्यतीत करने के लिए इनको 400 वर्ष का समय लग गया था। तो ये थे आर्यों का आगमन। कहाँ से आए थे ये? ये आए थे मिडिल एशिया से, जो मध्य एशिया है हमारा, वहां से आए थे। अब उसके बाद क्या हुआ, अब वहां पे हिमाचल में एंटर करने के बाद, अब देखो हिमाचल में मैंने पहले बताया था कि जो नवपाषाण, सॉरी हमारे आधे ऐतिहासिक काल था, उसमें पहले ही कोई सिविलाइजेशन आ चुकी थी। कौन कौन सी आ गई थी, कोलैरियन आ गई थी जिसको कोल बोलते थे, ऊपर से हमारे पास किराज जिसको मोगलाइट्स बोलते हैं, और ऊपर से नागास जाति के लोग रहते थे, और उसके बाद खस जाति के लोग भी रहते थे। तो क्या हुआ, जब आर्यों का आगमन हिमाचल में हुआ तो क्या हुआ, इन्होंने अपना जीवन का निर्वाह करने के लिए क्या किया, इनके युद्ध होने लगे, जो पहले की जो सिविलाइजेशन या पहले के जो माइग्रेंट्स थे उनके साथ इनका युद्ध होना स्टार्ट हो गया। लेकिन इनमें सबसे शक्तिशाली माने जाते थे, जो भी हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड में जितने भी हमारे पास जो भी माइग्रेंट्स आए थे या कोई भी वंश आया था, जैसे कि कोल वंश हो गए, कोल वंश से हो गए किरात हो गए, नाग वंश हो गए, या फिर खस वंश से हो गए, या फिर कौन आर्यस हो गए, तो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे आर्यस। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में आने के बाद की बात। ओके, जब हिमाचल में क्या हुआ है, जब इनकी एंट्री हो गई तो इनका क्या हुआ, जो अन्य जाति के, अन्य जो जनजाति, अन्य जनजातियां थी, ठीक है, कोल की रात, खस और नाग जो जातियां थी, उन लोगों के साथ इनका क्या लग गया होने, इनके वॉर होने लग गए, युद्ध होने लग गए। क्योंकि अब होता है देखो, जैसे कि मान लो अब आपकी कोई जमीन है, अब वहां पे कोई आ जाए तो अब आप तो उसको क्या बोलोगे कि यहाँ पे नहीं, ये मेरी है भाई, यहाँ पे नहीं रहना आपने। वैसे ही फिर इन्होंने क्या किया, आपने मतलब खुद को एस्टाब्लिश करने के लिए इन्होंने क्या किया, बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली थे जो आर्यस थे। अब बात करूं मैं, देखो इनके युद्धों की, और देखो मेन जो इनके युद्ध हुए थे ना, एक तो हुआ था इनका सांभर और देवदास। देखो सबसे शक्तिशाली मैं आपको बात बताऊं, आर्यों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, देवदास, ठीक है। ये जो देवदास थे, ये आर्या जो वंश था, आर्य सिविलाइजेशन थी, उनके सबसे शक्तिशाली क्या थे, राजा थे। अब जो राजा, देखो सांभर और देवदास, अब जो सांभर और देवदास के बीच में एक युद्ध हुआ था, क्योंकि जो सांभर थे, अब जो सांबर थे वो दस्यु एक जनजाति थी, ठीक है, दस्यु एक जनजाति थी, उसके एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, कौन, सांबर। अब देखो ये कितने शक्तिशाली थे कि इनके ब्यास नदी के किनारे इनके क्या थे, मतलब 99 जो किले थे इस राजा के पास, सांबर के पास। तो इसका युद्ध किससे हुआ, देवदास से हुआ। अब जो सांबर था वो किस जाति का था, सॉरी किस जनजाति का था, वो था दस्यु, और जो देवदास थे वो था आर्य। ओके, तो इनके बीच कितने, इनके बीच 40 ईयर्स तक क्या हुआ, युद्ध चलता रहा आपस में 40 वर्ष तक, कम नहीं होते यार 40 वर्ष, देख लो उस समय का युद्ध और आज के युद्ध, आज तो भाई 4 घंटे बहुत है, 40 तो बहुत, 40 साल तो बहुत ज्यादा है, 4 दिन या 4 घंटे बहुत ज्यादा है आज के टाइम में,
आज के टाइम में वेपन ही इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, डेंजरस वेपन बन चुके हैं, जिससे क्या है 4 घंटों में भी खत्म कर सकते हैं किसी कंट्री को। तो देखो, शाम्बर और देवदास के बीच युद्ध हुआ था, जो कि कितने वर्षों तक चला था, 40 वर्षों में। अंत में क्या हुआ था, अंत में जो देवदास थे, उन्होंने जो शाम्बर थे, राजा शाम्बर, 10 युगे जो शक्तिशाली राजा थे शाम्बर, उनका वध कर दिया। ओके, और उन्होंने क्या किया, जो आर्यस थे उनकी विजय हो गई और 10 युगों की पराजय हो गई। अब यहां से क्या हो गया, आर्यों का दबदबा होता है ना एक, अब मान लो दो ग्रुपों में फाइट होती है, एक ग्रुप उसको क्या कर खदेड़ देता है, तो उस ग्रुप का क्या हो जाता है, दबदबा बन जाता है ना, यही हो गया यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब आर्यस क्या हो गए, जीत गए भाई, वो पहले से ही इतने शक्तिशाली थे। तो वो अब हिमाचल में क्या हो गया, आर्यों का राज्य स्थापित हो गया, मतलब उनकी हुकूमत हो गई हिमाचल प्रदेश में। अब उसके बाद क्या हुआ, जब 10 युग के राजा का भजन हो गया, उसके बाद जो आर्यों का युद्ध किससे हुआ था, खसों से हुआ, खसों से भी इनका युद्ध हुआ। अब खसों से युद्ध होने के बावजूद क्या हुआ, खसों की भी इसमें हार हो गई थी, ठीक है। अब हार होने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, जो खस थे, जो और जनजातियों के लोग यहाँ पे निवास कर रहे थे हिमाचल में, अपना मतलब जीवन निर्वाह कर रहे थे, उनको क्या किया, बहुत ही दुर्गम स्थानों की ओर खदेड़ दिया उनको, जैसे कि अपर एरिया, हिल एरिया थे, वहां पे उनको खदेड़ दिया आर्यों ने और जनजाति के लोगों को। और उन्होंने क्या किया, कुछ लोग थे जो खस जाति से बिलोंग्स करते थे, ठीक है, उनको क्या किया, उन जो कुछ तो चले गए, ठीक है, कुछ ने तो पलायन कर लिया दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर, और कुछ बच गए, तो उन्होंने क्या किया, आर्यों ने उनको अपने मर्ज कर लिया, मतलब मिला लिया उनको, आर्यों ने उनको क्या किया उसमें मर्ज कर लिया अपनी ही जाति में, और उनको क्या किया, उनको दास बना लिया अपना, जो खस जाति के लोग रह गए थे ना, उनको मर्ज कर लिया, फिर उनको खस नहीं, उनको आर्यों में ही शामिल कर लिया, और उनके बाद जो थे लोग उनको क्या किया, अपना दास बना लिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश में आर्यों का आगमन के समय का इतिहास, कि देखो जब आर्य आए थे वो कैसे कैसे हिमाचल में एंटर हुए थे। देखो वो पहले, सबसे पहले कहाँ अपना जीवन निर्वाह करते थे, वो करते थे मिडिल एशिया में। ओके, मिडिल एशिया से वो क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, क्योंकि उनकी जो नीड्स थी, डेली नीड्स थी, फुलफिल नहीं हो रही थी, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, और वो क्या हुआ, हमारा जो कश्मीर है, सिंधु घाटी है, वहां पे पहुंच गए वो। अब वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ, वो फिर से आगे बढ़ते गए अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, जो उनके पशु थे उनको, मतलब बोलते हैं ना, तो ले जाते हैं उनको चराने के लिए, उनको चारा के लिए वो छोड़ देते हैं खुले, वैसे वैसे वो क्या करते थे, अपना जीवन का निर्वाह करते थे। क्योंकि उस समय क्या था, उस समय इतनी डेवलपमेंट तो थी नहीं, तो लोग अपना जीवन ज्यादातर जीवन जो अपना व्यतीत करते थे वो जंगलों में करते थे, मतलब एक आदिवासी के रूप में करते थे, मतलब ये सारे क्या थे, एक आदिवासी जो सिविलाइजेशन होती है हमारी, ठीक है ना, उनके जो सॉरी आदिवासी जो ट्राइब्स होती है ना, उन्हीं के ये एक मतलब एग्जाम्पल है, ये जो आदिवासी होते हैं ये इन्हीं से है, जो आर्य हो गए हमारे पास, जो कौल वंश के हो गए, ठीक है, नागराज हो गए, या फिर हमारे पास की रात जो मंगोलाइट्स होते हैं, मंगोल बोलते जिनको, ठीक है, ये सारे क्या थे, आदिवासी ही थे। तो ये तो बात हो गई हमारे पास क्या, आर्य और हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अगर किसी को इसे समझ ना आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हिमाचल की जो मेन नींव है वो किसने रखी थी, वो आर्यों ने रखी थी, क्योंकि आर्यों ने क्या किया था, जब हिमाचल में किसी भाषा का आगमन हुआ था, इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज थी उसका आगमन इन्होंने, मतलब उसका शुभारंभ भी इन्होंने ही किया था, आर्यों ने ही, ठीक है। तो ये थी मेन जो बात आर्य और हिमाचल का इतिहास की। अब इसके बाद आता है जो हमारे पास लास्ट जो सोर्स है, हिस्टोरिकल सोर्स है, वो है देवता। अब देवताओं से भी पता चलता है हिमाचल के इतिहास का, कि हिमाचल का इतिहास कितना पुराना है। तो देखो अगर बात करें देव देवता की, तो हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है ना, इसमें क्या हुआ था, लोगों के द्वारा मतलब कुछ उपासना के प्रमाण भी मिले हैं, मतलब लोगों ने जो देव देवी देवताओं की पूजा करते थे ना, उसके भी प्रमाण मिले हैं, कई मंदिरों में मिले हैं, कई जगह में मिले हैं, कई। अब ऐसा देख लो आप, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसमें क्या था, उनके जो कॉइन्स होते थे, या उनकी कोई भी स्ट्रक्चर सॉरी उनका जो कोई भी इंस्क्रिप्शंस होती थी, या कोई भी उनकी शैली होती थी, तो उस पे क्या होता था, उनके मैक्सिमम तो उनके कॉइन्स या बर्तन जो होते थे,
मिट्टी के, उनके ऊपर वो कोई चित्र बनाना, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मैक्सिमम उन्होंने देवताओं की फोटो, मतलब फोटो क्या, वो मतलब आकृति बनी हुई होती थी। अब जो हिमाचल में क्या हुआ था, हिमाचल में भी जो देवताओं का अगर उपासना का अगर प्रमाण मिलते हैं तो शिव जी से रिलेटेड ही प्रमाण मिले हैं, शिव से। ओके, तो किससे रिलेटेड जो प्रमाण मिले हैं वो है शिव से। अब शिव से रिलेटेड जो प्रमाण है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, क्योंकि उनके कॉइन्स पे क्या था, त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल का निशान बना होता था। तब त्रिशूल का निशान वो शिव जी से ही रिलेट करता है। तो ये थी बात हमारे पास देवताओं की। अब देखो अगर देवियों की बात करें कि देवी किस किस देवियों की पूजा करते, तो देखो जैसे कि छतरानी में हमारी शक्ति माता है, और ऊपर से बिलासपुर में नैना देवी, ये सारी क्या है, ये सारे बहुत ही एंशियंट टाइम के प्राचीन मंदिर हैं, बहुत ही प्राचीन, जो इस समय से मतलब यहाँ पे है, मौजूद है। तो इनकी भी पूजा की जाती थी और ये प्रमाण मिले हैं। तो ये था हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था। आज देखो हमारे पास जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्रागैतिहासिक जो काल था हिमाचल प्रदेश का, उसका जो वर्णन है वो यहीं खत्म होता है आज। देखो उसके जो मेजर सोर्सेस थे जिनसे पता लगता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हिमाचल प्रदेश का इतिहास था, उसके बारे में ये वर्णन देखने को मिलता है। तो ये सबको पता होना चाहिए। देखो मेन क्या चीज होती है दोस्तों, ये तो बहुत डीपली है, मतलब इतना कौन रखता है याद, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप सॉरी HPPSC के एग्जाम दे रहे हो, जिसमें कि आप HAS एलाइड, ठीक है ना, सबॉर्डिनेट एलाइड के टेस्ट दे रहे हैं, या फिर आप तहसीलदार नायब तहसीलदार, उसमें इतनी एंशियंट हिस्ट्री पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीजें, मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, आप किसी के चैनल से पढ़ो, पर पढ़ो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बहुत ही डीप नॉलेज होती है और यही पूछी जाती है मैक्सिमम। अगर यूपीएससी की बात कर लो आप, यूपीएससी में अगर हिस्ट्री का अगर तुम पोर्शन लेते हो तो हिस्ट्री भी ऐसे ही पूछी जाती है, बिल्कुल डीप। तो हमें बात ये नहीं होती कि इसमें से क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये मेन मेन जो पॉइंट थे ये मैं आपको बताया, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपने इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ना है। जो HAS की तैयारी कर रहा है या एलाइड की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको हिस्ट्री बिल्कुल डीपली पढ़नी पड़ती है। हिमाचल का जो इतिहास है उसको बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो उस चीज को मतलब उस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे, कल से हम प्री हिस्टोरिक पीरियड तो आज हमने खत्म कर दिया, कल से अब जो दूसरा पीरियड था हमारे पास वैदिक पीरियड, ओके, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, मिलते हैं कल।